नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल सियासी तारखा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे मेरा पानी मेरी विरासत या कह लो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के बारे में, जिसके अंदर कई किसानों को अपना पंजीकरण कराते समय परेशानी का सामना करना पड़ता है, एरर आते हैं। वीडियो में देखते हैं क्या किस प्रकार की दिक्कत आई हुई है और उसका समाधान कैसे करें और क्या कुछ अपडेट हुआ है मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर। हम मैंने लॉगिन कर लिया है, अब आप अपना ज़िला चुनें, तहसील का चयन करें, अपने गांव का चयन करें जिस गांव में आप अपना पंजीकरण करना चाहते हैं। मैं गांव का चयन कर लेता हूं, विकल्प चुनें। यहां दो विकल्प दिए हुए हैं, जमाबंदी में मालिक का नाम, मुरबा संख्या। ये ऑप्शन दोस्तों पहले भी दिए होते थे लेकिन इनमें कुछ अपडेट कर दिया गया है। जमाबंदी में मालिक का नाम, पहले केवल हिंदी में मालिक का नाम भरना होता था लेकिन अब आप अंग्रेजी में मालिक का नाम भर सकते हैं और अपना सर्च कर सकते हैं। मैं नाम फिल कर देता हूँ, ये हिंदी में अपने आप नाम फिल हो गया है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और अपने नाम के मुताबिक अपना चयन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मुरबा संख्या, पहले ये मुरबा संख्या आप अपने कीबोर्ड से फिल कर सकते थे जो भी आपको फिल करना होता था, लेकिन अब की बार इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो मुरबा संख्या आपके सामने दी हुई होगी उसमें से आपको अपने मुरबे का चयन करना होगा। इस प्रकार आप अपने मुरबे से भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। हम यहाँ फ़िलहाल जमाबंदी में मालिक के नाम से सर्च कर लेते हैं और हिंदी में अपने आप फिल हो गया है, सर्च करते हैं और अपने नाम का चयन, ये जिस नाम से मैंने सर्च किया है वो इस जमाबंदी में कई मालिकों का नाम है इसलिए हम अपना सर्च कर लेते हैं। मैंने चयन कर लिया है अपने नाम का और नीचे उसका मुरबा संख्या, खसरा संख्या, खेवट संख्या, खतौनी संख्या आ गए हैं। हम इसमें से एक किले का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसके लिए हमें पंजीकरण करना है और देखते हैं। हम मुरबा संख्या 20, खसरा संख्या 20/20, खेवट संख्या 1 और खतौनी संख्या 15, इसका चयन कर लेते हैं। नीचे ये सिलेक्ट हो गया है, फसल भरे, यहाँ पर क्लिक करें। फसल भरते समय खरीफ फसल चुने और वैरायटी चुने, पूरा बाग चुने, काश्तकार की श्रेणी चुने और मालिक का। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा, गांव के पटवारी ने इस खसरे के लिए कृषि क्षेत्र इतना भरा है और आप इससे अधिक नहीं भर सकते। दोस्तों यह समस्या कई किसानों के साथ आई है जिसमें वो अपने फसल का पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। हम इसका सलूशन ढूंढते हैं, इसके समाधान के लिए हमें पूरा क्षेत्र 8 कनाल 0 मरला इससे कम क्षेत्र हम चूज करके देखते हैं। जैसे हम 7 कनाल और 12 मरले का चयन करते हैं और ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यही एरर दोबारा से आ रहा है, लेकिन हम इसके अंदर थोड़ा और कम कर लेते हैं रकबा। 6 कनाल हमने सेट कर लिया है, 6 कनाल 19 मरले हम चयन कर लेते हैं और ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इस जो हमने पंजीकरण करना था वो पंजीकरण में यह दर्ज हो गया है। इस प्रकार आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आपका पूरा क्षेत्र मौजूद होने के कारण, लेकिन जो मौके पर वहाँ पर कोई नहर के लिए पानी के लिए नाली बनी हुई है उसकी भूमि का उस क्षेत्र से कम कर दी जाती है, इस कारण से यह पूरा क्षेत्र नहीं उठा पाता और आपका पंजीकरण में यह समस्या आई रहती है। आप जब भी पंजीकरण करें और यह समस्या आए तो उसका भाग यहाँ दर्ज कर देख सकते हैं, वो जितना भी उठाए आप उससे कम करते रहिए, जब आपका वो सेट हो जाएगा तो अपने आप उठा लेगा। जैसे इस प्रकार हमने इसका पूरा क्षेत्र 8 कनाल 0 मरला था,
लेकिन ये 6 कनाल 19 मरले ही इसने उठाया है। इस प्रकार आप अपनी फसल का विवरण दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।